सलाम कहूंगा, नमस्कार कहूंगा और सोनी टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमें उस्तादों में गिना। मेरे साथ एक उस्तानी भी है, बहुत उस्तानी है। हेलो, हाँ जी, हाँ, हेलो, 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 होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, लाइन बिजी है। अरे कौन हो, किसके चक्कर में आई हो दुनिया में, दिन उतर के आ गई, कौन हो? मैं अमेरिकन हूँ। अच्छा अच्छा, अमेरिकन हो, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा कंट्री घूमने आया है। आया है, तेरा नाम गफूर है? नो। तो फिर आया है। अच्छा समझ गया, बच्चों को खिलाती है, आया है। नो नो नो। अच्छा, मैं कंट्री घूमने आया है। माय नेम इज सूजन। सूजन, सूजी भी तो कहीं से नहीं है तू। सूजन, सूजन, राइट। मैं तुम्हारा कंट्री घूमने आया है। आया है, तेरी अपनी मर्जी, कहीं भी जा भाई, मेरे को क्या। मेरा मतलब है, कैसा लगा हमारा कंट्री? ओह, तुम्हारा कंट्री बहुत गरीब है। क्यों, तेरे से किसी ने आटा मांग लिया? कैसे अंदाजा लगा लिया तूने? ऑफ कोर्स, तुम्हारे कपड़ों से। इस हिसाब से अंग्रेजो, तुम तो बहुत गरीब हो, तुम तो पहनते ही नहीं हो। एक दफा मैं अमेरिका गया था। तुम अमेरिका गई थी? गई थी, मैं तेरी पप्पू हूँ। मेरा नाम रजिया खाला है। ये मैंने क्या थ्रेडिंग नहीं कराई है, मेरी अपनी जाती है, खुद उगाई है। गई थी, गया था उधर, मैं गया साहिल समंदर पे, मैंने देखा वहां गुर्बत, चड्डियां पहन पहन के रेत पे औंधे लेटे हुए थे बेचारे। कितने गरीब हो तुम लोग, ना घर है, ना बिस्तर है, ना कपड़े हैं, ऐसे ही पड़े हुए हो बेचारा। यार अमेरिका ही बड़ा मुल्क कहलाता है। Oh, you stupid, वो फैशन है। वाह अंग्रेजो, तुम नाचो तो फैशन, हम नाचे तो पेशा। Hey man, look. तुम्हारा कंट्री का लोग ना बहुत लेजी है, लेजी। हमारा कंट्री का लोग बहुत फास्ट है। अबे हमसे ज्यादा फास्ट दुनिया में कोई नहीं होगा। वो कैसे? दो ही मुल्क हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोग फास्ट, अल्लाह जानता है। ये बताओ तुम्हारे यहाँ बस में कैसे चढ़ते हैं, लाइन लगा के? ऑफ कोर्स, हमारे यहाँ कोई नहीं लगाता, चल बे हटना। हमसे ज्यादा फास्ट कौन होगा पागल? तुम्हारे यहाँ लाल लाइट जलती, गाड़ी रुक जाती। हमारे यहाँ कोई नुकदा बैठना चल, हाँ हो गया। तुम लोग सिर्फ एक काम में फास्ट है। किस में? इसमें। तुम्हारे यहाँ बच्चे पहले होते हैं, शादी बाद में होती है। वो भी अंडरस्टैंडिंग होगी तो ठीक है, वरना दो दो बच्चे बांटे दूसरे काम पे निकल गए। Hey man, look. हमारे पुलिस को ले लो। अबे हम क्यों ले, हम अपनी वाली से तंगे, तेरी भी रख लें, तेरी रख लें भाई। हमारी That's not what I meant. तेरी पुलिस क्या है भाई? देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी पुलिस जो है ना, वो मुजरिम से 5 मिनट के अंदर अंदर जुर्म कबूल करवा लेती है। हटा अपनी पुलिस, हटा हमारी, देख जो जुर्म ने भी किया होता वो भी कबूल करवा लेती है। हमारी पुलिस ऐसी है, जेब से टैंक निकाल लेती है। What? हमारी पुलिस कुछ भी कर सकती है भाई। हमारी पुलिस अल्लाह सबको ऐसी पुलिस दे, जो दो रख लेती है, मना ही नहीं करती है। अच्छा अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। इस कंट्री के बारे में और बताओ हमको। तो पूछ ले। यहाँ की विमेन के बारे में बताओ, विमेन के बारे में, औरत, औरतों के बारे में। राइट, बड़ी अच्छी होती है, हमारी औरतें बड़ी दिलेर हैं। आई न्यू इट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ की औरतें खाने में क्या पसंद करती हैं? पति आस्ते आस्ते खाती, जैसे दीमक लकड़ी नहीं खाती उस तरह से खाती। ये ला दो मुझे, ये ला दो मुझे, वो ला दो मुझे, नेकलेस ला दो। अगला कब्रिस्तान पहुंच जाता है, मरने के बाद ध्यान रहा है कल्लू क्या होता है, आज घासलेट भाग के लाता, बड़े अच्छे थे। हर चीज अच्छी चीज का जाने के बाद कदर होता है, ये करती है हमारे औरतें। और पूछ। अच्छा सुनो। सुनाओ। ये सब छोड़ो,
मुझे यहाँ की मैरिज बहुत कलरफुल लगती है. देखो ना कितने कलरफुल कपड़े पहने सब लोगों ने. मैरिज में भी बहुत कलरफुल कपड़े पहने. लेकिन यहाँ की दुल्हन जो होती है उसको शादी से पहले ब्यूटी पार्लर क्यों लेके जाया जाता है? अब क्या बताएं, बुरा सामान तो अच्छी पैकिंग में जाता है ना भाई, ताकि सामने वाले को डिलीवरी मिले तो नजर आए ना, हाँ भाई पैकिंग तो ठीक है, अल्लाह मालिक है बाकी. अच्छा एक बात बताओ. हाँ पूछो. वो एक रस्म होती है तुम्हारी, वो जूती छुपाई, दूल्हा की जूता छुपाई. दूल्हे के साथ क्यों ये रस्म खेली जाती है? दूल्हा की जूता छुपाई की रस्म नहीं होती है. तो क्या उसको अल्टीमेटम दी जाती है, बेटा अब भी वक्त है नंगे पर भाग ले. वो नहीं सुनता. रियली? यस. अच्छा तो फिर वो दुल्हन लाल जोड़ा क्यों पहनता है? देखो लाल निशान खतरे का है. दूल्हा को समझाते हैं आगे मत जाना फंस जाएगा, वो सुनता नहीं है, जाता फंस जाता, फिर सारी जिंदगी ग्रीन लाइट का इंतजार करता है बेचारा. एक बात बताओ, वो चीज क्या होता है वो दुल्हन के? सेहरा. वो दूल्हा सेहरा पहनता है, ऐसे रुमाल रखता है अपने मुंह पे, क्यों? शर्माता है. शर्माता नहीं है, हर लड़के ने चार चार सेटिंग की होती है. एक से शादी कर लेता, तीन से मुंह छुपा रहा था, वो भी तो वही उम्र होती है ना. तुम्हारी शादी हो गई? नहीं शादा नहीं हुआ हमारा. शादा तो एक साल बाद होगा शादी के. शादा फिर रफीक, फिर गफूर, फिर सत्तार, फिर जरीना. हमें गुस्सा बहुत है ना. मैरिज हुआ? नो मैरिज. तेरा तो गिनीज बुक में नाम आना चाहिए भाई, इतनी कम उम्र में 9 शादियां. अरे हम तो एक में थक जाते हैं. बड़ी दिलेर बच्ची है भाई तू. नो मेरा मतलब मेरी शादी नहीं हुई. इस सुस्ती की वजह क्या है? मतलब तुम्हारी कब करेगी दाढ़ी मूछें निकल आएंगी? ओह शट अप यू. तो कर लो, देखो गर्मियां निकल गए ना, ये बच्चे भी नहीं मिलेंगे फिर. प्लीज. वैसे हमने डिसाइड करके रखा है, बताओ. हम उसी आदमी से शादी करेगा जो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता है. तुम करते हैं अपनी कंट्री से तो प्यार? अपनी कंट्री के कोने कोने से, चप्पे चप्पे से, दरख्तों से, दरियाओं से, समंदर से. मैं तो अपने मुल्क के लिए जान दे सकता हूँ. रियली? यस. ओह आई एम सो हैप्पी. कोई बात नहीं, मांगो जो मांगना है मुझसे. अमेरिका का वीजा मिल जाएगा? एक तरफ तुम अपने मुल्क की बात करते हैं और उसी तरह तुम मेरा अमेरिका का वीजा मांगता है. पूरी बात तो सुन. बोलो. मैं तो दिखाऊंगा लोगों, देखो अमेरिका का वीजा है, नहीं जा रहा हूँ. टिकट के पैसे नहीं, कहाँ से जाऊँ? अच्छा फॉरगेट ऑल दिस रबिश. यस. एक बात बताओ. हाँ. तुम अबे तुम मैं ही बताऊँ, सब मैं ही बताऊँ. पीतल की बिल्ली तेरी जैसी चिड़ियाएं होती हैं, अंडे देके खुद बेहोश हो जाती हैं. अंग्रेज बनी हुई भुट्टे के बाल पहन के आ गई है. भुट्टा पे हर नंगा घूम रहा है. वो खाने वाला भुट्टा था, उसके पहन के आई ना तू. अच्छा ये हेयर. क्या पूछ रही थी? पूछ. एक बात बताओ. हाँ. तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती को कैसे देखता है? मैं बताता हूँ अंग्रेजों हम कैसा देखता है. शुरू से अच्छा देखता है, हमेशा से अच्छा देखता है. ये दोनों मुल्क एक बस की मानिंद है. हाँ. जिसपे लिखा हुआ है नंबर प्लेट पे 1947, जिसके अंदर है प्यार का पेट्रोल, चाहत का मोबिल ऑयल. चलाने वाला इंडियन है, समझाने वाला पाकिस्तानी. एक दूसरे के मशवरे से चला रहा है. अंदर बैठे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के. रास्ते में स्पीड ब्रेकर जंप, लोग एक दूसरे के मशवरे से गाड़ी को आगे निकाल रहे हैं. मगर क्या करें, इस बस के अंदर एक छोटा सा बुश लगा हुआ है, वो बिगड़ जाए फिर ये बस रुक जाती है. सब निकल निकल के भागते हैं. निकलो नहीं, सोचो बैठ के कि इस बुश के बगैर ये बस कैसे चलेगी. उर्वशी, शकील, जोरदार तालियां. वाओ, बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसी एक जोड़ी देखी जो इतने टैंडम में काम करते. इनके लिए जोरदार तालियां. चलिए देखते हैं हमारे जजेस को क्या कहना है. शेखर साहब, ऐसे फनकारों के बारे में क्या कहना है? आपने सबका रिएक्शन देख लिया लगातार. कहीं हमने बड़ी कोशिश की कि कहीं हंसी रुके, लेकिन हंसी का जो रेला आया तो आता ही चला गया. हम वेट कर रहे थे कि कहां ये गड़बड़ाएं, कहां ये लड़खड़ाएं, कहां वो स्पीड ब्रेकर आए, कहां बुश खराब हो. कंबख्त खराब हुआ ही नहीं, और बगैर पेट्रोल के भी, और पेट्रोल के साथ, और बगैर इंजन के, बगैर शैसी के, वो चलता ही गया. और पता नहीं कहां वो दूर चला गया, जहां तक तो निगाहें भी नहीं पहुंच रही. बहुत कमाल, बहुत खूब. थैंक यू. जावेद साहब, बहुत ही खूबसूरत.
एक एक जुमला, एक एक जवाब, एक एक सवाल दिलचस्प था, और जिस तरह से आपने इस मजाहिया और इस ह्यूमरस